स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाकिफ़ से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 नाइन्थ साइंस के मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको आज इंशाल्लाह जो है ना आपको हल करना सिखाऊंगा कि आप लोग उसको किस तरह से हल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं इधर व्हाइट बोर्ड के ऊपर और यहाँ पर वो हमसे क्या कहता है, कहता है कि अगर आपके पास इफ़ ए इज इक्वल टू -2 2 1, बी इज इक्वल टू 1 -1, सी इज इक्वल टू 1 -1 2, डी इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2, देन फाइंड आपने करना है। क्या फाइंड करना है जी आपने, एक एक करके हम लोग इसको हल करते हैं। पहला पोर्शन उसमें वो कहता है कि ए प्लस 1 1 1 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या करना है और किस तरह से करना है, स्टूडेंट्स देखें, आपके पास यहाँ पर ए बी सी और डी की कीमत जो है ना वो लिखी हुई है, ठीक है। नीचे आपको हर पार्ट के अंदर वो कोई ना कोई वेरिएबल दे देगा जिसकी ऊपर कीमत, चारों में से कोई ना कोई एक वेरिएबल देगा जिसकी ऊपर कीमत दी गई होगी, उसकी जगह आपने क्या करना है, उस वेरिएबल की कीमत पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग इसको हल करते हैं ए वाले पार्ट को, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ए जमा आगे उसने एक मैट्रिक्स दे दिया। अब इसको कैसे हल करना है, आपके पास ऊपर ए वाली कीमत मौजूद है, आप लोग क्या करेंगे कि ए की जगह वो वाली कीमत लिख देंगे, यानी -1 2 2 और 1 जमा 1 1 1 1, ठीक है। इनको आप लोग क्या कर देंगे जी, जमा कर देंगे, ठीक है। -1 +1 2 +1 2 + 1 और 1 + 1, इनको आप लोग जमा कर देंगे। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे के अंदर वो क्या कहता है, जो पार्ट 2 है इसका, बी जमा -2 3। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने इसको कैसे हल करना है, देखें यहाँ पर आपके पास बी की कीमत ऊपर क्या मौजूद है, 1 -1 प्लस आगे उसने कौन सी दी हुई है, -2 और 3, इनको आप लोग जो है वो क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, यानी 1 जमा -, तो -2 -1 तो -3, ठीक है। इनको आप लोग आगे हल कर लें, ये आ जाएगा जी -1 और -3 में से 1 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है जी, जमा की, ठीक है। सो इस तरह से तीसरा पार्ट इसका आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा, तीसरा पार्ट आपके पास है के सी जमा 2 -2 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर सी की कीमत आपके पास ऊपर कौन सी मौजूद है जी, ये वाली, तो सी की जगह आप लोग वो कीमत लिख देंगे, 1 -1 2 जमा -2 1 और 3, इनको आप लोग जमा कर लें, 1 जमा -, तो -2 -1 जमा 1 2 जमा 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ सिखाता चलूँ कि वो ये कि देखिए, मैंने पिछले सवालात के अंदर कालबों को जमा करने का तरीकाकार बताया था, ठीक है, जमा और माइनस करने का, सेम यहाँ पर भी वही मेथड है, ठीक है। देखें ये पहले नंबर में मैंने पहला जमा किया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा मैंने जमा किया, ये याद रखना है आपने, ठीक है। कोई भी शक्ल हो उसकी, रो की फार्म में हो, कॉलम की फार्म में हो, रेक्टेंगुलर की फार्म में हो, स्क्वायर की फार्म में हो, तरतीब आपने याद रखनी है कि पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ठीक है। और ये करना लाजमी होगा और उन्हीं के दरमियान होगा जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ये अगर -2 में से जमा का 1 निकाले तो हमारे पास आता है जी -1, ठीक है, जमा -, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देखें स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने कि अगर आपके पास दोनों अलामतें एक जैसी हों तो वो हमेशा जमा होता है, यानी जमा जमा बराबर जमा के होता है और -1 भी बराबर आपके पास जमा के होता है।
लेकिन अगर अलामतें आपके पास मुख्तलिफ हों तो वो माइनस होता है, चाहे वो जमा माइनस हो चाहे वो माइनस जमा हो, लेकिन वो होता क्या आपके पास माइनस। ठीक है, तो जमा माइनस आपस में कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी ज़ीरो, दो और तीन आपके पास हो जाएगा जी पाँच, ही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पार्ट नंबर इसका फोर, उसमें वो कहता है कि डी जमा ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो वन। अब ये सवाल आपके पास है और ऊपर डी की कीमत आपको उसने क्या दिया जी, डी की कीमत आपको उसने दिया जी एक दो तीन माइनस एक ज़ीरो और दो जमा ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो वन। ठीक है, अब इनको हम लोग जमा कर लेते हैं, एक जमा ज़ीरो दो जमा एक तीन जमा ज़ीरो माइनस एक जमा दो ज़ीरो जमा ज़ीरो और दो जमा एक। ठीक है, ये एक जमा ज़ीरो एक के बराबर आ जाएगा, दो जमा एक बराबर आ जाएगा तीन के, और तीन को ज़ीरो में जब जमा करें तो तीन आ जाता है, क्योंकि ज़ीरो को जिस मर्ज़ी रकम में जमा या माइनस करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास दस रुपये, दस रुपये में से ज़ीरो खा लिया आपने, तो क्या आपके पास कुछ रकम कम हुई? नहीं। मतलब अब वो दस के साथ जो एक के साथ ज़ीरो लिखा वो नहीं खाना, वो तो एक रुपये ही रह जाएगा। मतलब कि दस रुपये में से आपने ज़ीरो ख़त्म कर दिए, ज़ीरो रुपये ख़त्म कर दिए, देन आपके पास कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा एक, ये ज़ीरो और ये आ जाएगा जी तीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया आंसर पार्ट नंबर फोर का। आगे जी हमारे पास है जी पार्ट नंबर फाइव। अब पार्ट नंबर फाइव के अंदर वो क्या कहता है जी, देखें जी उसमें वो कहता है जी टू ए, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, ए वाला कॉलम आपके पास मौजूद है जी, यहाँ पर माइनस एक दो दो और एक के। ठीक है, हमने इसका मालूम करना है टू ए, तो इसको हम किसके साथ ज़रब दे देंगे जी, टू के साथ। ठीक है, किसके साथ ज़रब दे देंगे जी, टू के साथ, यानी टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, टू मल्टीप्लाई बाई टू, टू मल्टीप्लाई बाई टू और टू मल्टीप्लाई बाई वन। इनको हम लोग लिख देते हैं जी, टू को माइनस वन के साथ ज़रा देंगे तो हमारे पास आएगा जी माइनस वन, टू को टू के साथ फोर, टू को टू के साथ फोर, टू को वन के साथ टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टू ए। ये हमारे पास पार्ट नंबर फाइव आ गया। पार्ट नंबर सिक्स के अंदर वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई बी आपने मालूम करना है। ठीक है, यानी बी वाले कालम को आपने क्या करना है जी, आपने ज़रा देनी है माइनस वन के साथ। ठीक है, एक और माइनस का वन। ठीक है, तो देखते हैं जी इसको भी, यहाँ पर आप लोग इसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा जी, एक ज़रब माइनस एक और ए माइनस एक ज़रब माइनस का एक, जमा के एक को माइनस एक के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा जी माइनस वन, माइनस माइनस जमा एक को एक के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा, यानी माइनस वन बी आपके पास बराबर आ जाएगा जी एक और माइनस एक के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे छः टोटल पार्ट हो गए। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सातवें पार्ट को, और सातवें पार्ट में देखते हैं वो हमसे क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है हमसे वो करने को। तो देखते हैं जी, सातवां पार्ट आपके पास है जी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सी, यानी सी वाले कॉलम को आपने किसके साथ रख देना है जी, माइनस टू के साथ। ठीक है, यानी माइनस टू सी आपके पास बराबर है जी एक, माइनस एक और दो के साथ। ठीक है, इसको आपने ज़रब देना है जी माइनस टू के साथ, यानी सी वाले हर रुकन को आपने किसके साथ ज़रब दे देना है जी माइनस टू के साथ, माइनस वन टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस टू माइनस माइनस जमा, तो माइनस दो को जब माइनस एक के साथ रख देंगे तो जमा का दो आ जाएगा और ये आ जाएगा जी माइनस का चार, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख लें जैसे बुक में दिया वैसे भी लिख लें, दोनों ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है पार्ट नंबर एट। पार्ट नंबर एट के अंदर वो क्या कहता है जी, थ्री डी आपने मालूम करना है, यानी डी वाले कॉलम को आपने किसके साथ रख देनी है जी, थ्री के साथ। ठीक है, डी हमारे पास बराबर है एक दो तीन माइनस एक ज़ीरो और दो के, इसको हमने ज़रा देनी है थ्री के साथ, तो हमारे पास थ्री डी आ जाएगा। थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, थ्री मल्टीप्लाई बाय
टू, ठीक है, ये आ जाएगा जी हमारे पास थ्री, थ्री टू द सिक्स, थ्री थ्री द नाइन, माइनस वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री, ज़ीरो को जिस मर्जी रकम के साथ ज़रब करें या तकसीम करें उसको वो क्या कर देता है, ज़ीरो। थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी सिक्स। तो ये हमारे पास आ गया थ्री डी के वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया जी लास्ट वाला पार्ट, इसका पार्ट नंबर नाइन। अब पार्ट नंबर नाइन हमने किस तरह से हल करना है और उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर आप लोग, उसके अंदर वो क्या कहता है जी हमें, पार्ट नंबर नाइन के अंदर वो करने को कहता है, आपने मालूम करना है जी थ्री सी, ठीक है, यानी आपने सी वाले कालम को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, थ्री के साथ, ठीक है। यहाँ पर सी आपके पास बराबर है एक, माइनस एक और दो के, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी थ्री के साथ। तो थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये आ जाएगा थ्री माइनस थ्री और आ जाएगा सिक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा जी थ्री सी आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का वो कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगा, मुकम्मल तौर पर आपके जो है ना वो मैसेज का जवाब भी दूंगा। सो स्टूडेंट मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, फी ईमानिल्लाह।